हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फ्राइड राइस, जिसमें हम बहुत सारी सब्जियां भी डालेंगे। वैसे तो बच्चे सब्जियां खाने में बहुत नखरे करते हैं, पर आप इस तरह से बनाएं तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। फ़ौरन के लिए हम लेंगे जीरा, सरसों, हरी मिर्च और करी पत्ता। इधर हमने लिया है प्याज, बीन्स, फूलगोभी, गाजर, हरे मटर और टमाटर। इन सभी चीज़ों को बारीक काट लें। नमक, हल्दी, नींबू का रस, बने हुए चावल, आप बासी चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल, हमने यहाँ रिफाइंड तेल यूज़ किया है, जीरा धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और जीरा और सरसों को चटकने तक वेट करेंगे। जब ये अच्छे से चटक जाए तो अब हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे और इसके बाद प्याज डाल देंगे और इसे थोड़ा मिलाएंगे। अब हम कटे हुए मिर्च भी डाल देंगे। इसमें हमने हल्का सा जीरा लगा लिया था। प्याज जब हल्का सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें बाकी सब्जियां डालेंगे, जैसे बीन और फूलगोभी। इसे हम पहले डालकर प्याज के साथ ही भून लेंगे, क्योंकि ये पकने में थोड़ा वक्त लगता है। इसे बीच बीच में चलाते रहें, वरना नीचे से लग सकता है। अब हम मटर के दाने भी डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। ये जब अच्छे से मिल जाए तो हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, फिर बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब हमारी सब्जियां पक चुकी है, तो अब इसमें हम गाजर और टमाटर भी डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। अब टमाटर और बाकी सब्जियां सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हम इसमें हल्दी और नमक भी डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार डालें। अब टमाटर भी हल्का सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे, क्योंकि चावल डालकर तो इसे बस हमें मिला लेना है, उसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसे ढककर भी हम थोड़ी देर पका लेंगे और बीच बीच में इसका ढक्कन निकाल कर हम इसे चलाते भी रहेंगे, वरना नीचे से सब्जियां जल सकती हैं। अब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसमें हम जीरा धनिया पाउडर डालेंगे और हल्का सा मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर भी ऑप्शनल है। अब हम इसमें चावल डाल लेंगे। आप बचे हुए बासी चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बस इसे अच्छे से मिला देने की देर है। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इसमें नींबू का रस भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे और गर्मा गर्म परोसेंगे। तो हमारी फ्राइड राइस बनकर तैयार है। गर्मा गर्म फ्राइड राइस या वेजिटेबल राइस, दही, रायता या फिर अपनी मनपसंद सब्जी के साथ सर्व करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे चावल बच जाते हैं या फिर हमें सब्जी बनाने का मन नहीं करता, तो यह आसान सा रेसिपी बनाकर आप ज़रूर ट्राई करें, यह सभी को बहुत पसंद आएगी। हमारा हेल्दी और टेस्टी खाना बनकर तैयार है, तो आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।